तो NHBS पेरेंट, आज नेशनल हाउसिंग बैंक की एग्जामिनेशन कंक्लूड हुई है, तो अभी एक कैंडिडेट जो चुके हैं हमारे, ये बताएंगे एग्जामिनेशन कैसा रहा और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो है ऐसे रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चंस आए, कैसे इन्होंने डील किया, एवरीथिंग, लेट गेट स्टार्टेड। हाउस पेपर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वाइज नॉट मैं बोलूंगा, इंग्लिश वाइज ठीक ठाक, मतलब 25 अटेम्प्ट मैंने किए हैं, अगर उसका इंग्लिश अच्छा होगा 25 कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 23 तक तो गए होंगे लोगों के, मुझे लगता है। मैथ्स इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था, एक दो पजल्स ट्रिकी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम दे गए मुझे बस। ओके, तो मोर और लेस ऐसा था। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट में अगर मैं बोलूँ तो डिस्क्रिप्टिव में एक तो था ऐसे में आया था कि कूलिंग ऑफ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग कूलिंग अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा? ओके, वो आया था एंड लेटर, ये एसी की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, ये एसी था। व्हाट अबाउट लेटर? लेटर में आया था, मैंने लिखा था, एक्चुअली तीन थे, मैंने लिखा था कि एच इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को आपको वो एस्टिमेट एंड सारा कुछ मांगने के लिए, मुझे कंपनी बोलना है, कंपनी को बोलना है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो ये रिक्वायरमेंट है बता दो, मैं और ऐसा कुछ था। तो कंक्लूड करो, आप जो एसी और लेटर था उसमें कितने ऑप्शन थे? टोटल तीन थे, तीन में एक लिखना था, तीन थे, तीन, क्योंकि कई सारे एक्सपायरेंट जो नहीं पता इनको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कभी नहीं दी है, सिर्फ फ्री देते हैं, मेंस का क्या होता ही नहीं है। एक्चुअली मेरा जो था कीबोर्ड वो थोड़ा ज्यादा स्टक हो रहा था, बहुत की जो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, की जो था वो बहुत ज्यादा ये था, हार्ड था, हार्ड, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, बार बार मेरे वर्ड्स छूट जाते, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो डेफिनेटली हुए क्योंकि कीबोर्ड मेरा था अच्छा नहीं, बट ओवरऑल अच्छा था मैं बोलूँ। तो आपको TCS वालों को आप कर सकते हो क्योंकि कीबोर्ड को अच्छे रिप्लेस करें, डेफिनेटली हार्ड जो हो रहे हैं टाइपिंग में प्रॉब्लम है। माउस बहुत अच्छे थे, माउस वाज वेरी गुड क्वालिटी, बट कीबोर्ड वाज नॉट अप टू दैट। ओके, तो TCS आपको तो ये कंसीडर कर रहे हैं, प्लीज कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कीबोर्ड जो था वो हार्ड था, प्लीज उसको रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आप कंक्लूड करो, आप टोटल 155 में कितना अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट किया? मेरे अप्रोक्सीमेटली 160 की बात कर रहा हूँ, 115-116 ही गए हैं। ओके ओके, तो कुछ पजल्स के पैटर्न्स याद हैं आपको जो आपने सॉल्व किया? हाँ, एक क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट था, टू पैरेलल रोज वाले थे, टू पैरेलल रोज थे। ओके, चार चार लोग वाले थे। ओके, एंड एक और मैंने दो ही सॉल्व कर पाया, दो सॉल्व कर जी हाँ, एक और था, हाँ वो फ्लोरिंग वाला था, एट पोजिशन सीटिंग थे एंड उनको एक एक क्या था वो कुछ से पहला तो था आपका डायरेक्ट था एकदम, मतलब वो दो पाई चार्ट वाले थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे एंड एक का डायरेक्टली गर्ल्स का स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था, सॉरी गर्ल्स का टोटल दिया हुआ था एंड बॉयज का निकल गया था, तो वहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, परसेंटेज दिए थे, रेशियो दिए थे, क्या दिया था? दोनों का टोटल दिया हुआ था एंड परसेंट से निकालना था डायरेक्टली, वो निकल जाता है। व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस, जनरल जो इस करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बता पाओगे? जनरल अवेयरनेस वाज, मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर दिया था एग्जाम, उससे मुझे लगा थोड़ा सा तो अप था, क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने 4 महीने का तो अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या देख रहा हूँ पेपर में ऐसा। ओके, तो क्या मतलब क्या डिफरेंट लगा आपको करंट अफेयर में, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स ने दिए हुए? गवर्नमेंट स्कीम्स थे एक्चुअली, उसमें से ज़्यादा उन्होंने नंबर पे फोकस किया, नंबर कितने आउट, कितने आउटले है, टोटल अमाउंट कितना है, लोन्स कितने प्रोवाइड किए गए हैं। एक का क्वेश्चन मुझे याद है, उद्गम में वो जी का क्या, जी का क्या होता है, तो गवर्नमेंट स्कीम होगी उसका शॉर्ट फॉर्म का एक फॉर्म, उद्गम में जी क्या होता है, और जैसे कोई और स्कीम है तो उसका मत्स्य है तो एम क्या होता है, ऐसा कुछ था। ओके, ऐसे थे। तो 60-50 था ना जनरल अवेयरनेस? 50 में मैंने 40 मारे तो है, बट मुझे डाउट है 4-5 में थोड़ा रिस्क लिया है मैंने कि कट ऑफ से 120 अप्रॉक्स जाता है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने लिया, होप सो क्लियर हो जाए, आई डोंट नो। ओके, चलो लास्ट में कंक्लूड करो, जो ऐसे कैंडिडेट जो मतलब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लेटर वो नहीं अभी तक फेस किए लाइफ में या फिर अभी आने वाले में वो क्लियर नहीं सर खुली देते हैं, तो वो कैसे हेल्प करें, मतलब कैसे हैंडल करें वो डिस्क्रिप्टिव रेटली 30 मिनट होता है? बिल्कुल, एक्चुअली होता ये है कि वो टाइमर जो कंटिन्यू चलते रहता है, आपको क्या है कि एकदम फोकस होना पड़ेगा कि आपको
तुरंत एकदम पकड़ना है कि कौन सा लेटर या ऐसे आपको लिखना है पहले तो ऑन द स्पॉट तुरंत डिसाइड करो एंड विद इन पांच आप ले लो 20 मिनट्स का रहता है इसमें तो 30 मिनट्स का था सॉरी तो 5 मिनट्स में आप डिसाइड कर लो हाफ ऑफ टाइम लेके कि लेटर में क्या लिखना है एंड ऐसे में क्या लिखना है उसके बाद आप जो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा वो आप लास्ट में रेक्टिफाई कर सकते हो बट हाँ एक और क्रूशियल फैक्टर ये भी प्ले करता है कीबोर्ड जरूरी है क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि थोड़ा स्मूथ रहता है तो मेरा फास्ट कर पाते हैं एफिशिएंसी मेरी अच्छी रहती है बट वो था नहीं इसलिए हो नहीं पाया आपकी वजह से जो आने वाले भी एमपीएस पीओ की एग्जाम होने वाली है पीओ में मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है कई सारे एग्जाम्स में होती है ना पीओ वाले आपके इस इंटरव्यू से आपको कई सारे कैंडिडेट को हेल्प हो जाएगी थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू राइट ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट थैंक यू सो मच